Now today you can see we are having a team 360 with us. So this is something unique which you will come to know. I'm not going to say anything because they are going to explain better. Okay, I request the team 60 to come on the dice and take the program further on. Team 360. Good morning, students. Good morning, sir. अभी स्कूल में ऐसा फील हो रहा है. See, let me introduce first. Even before that, I would say we are very grateful for school management because they have given me chance to speak in front of you all, and we are very grateful for you people because you all are sitting here in order to listen me. Because if you were not there, whom would I have discussed this concept? So you all are very, very important. And I would start with, as I said, introduction. I am Vipul Sharma. Still, I am Vipul Sharma. Basically, I am a corporate trainer of New Mindset from Netherlands organization Golden Inspiration. Apart from this, I'm a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually, I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few products in India, like DMIT and pineal gland activation and so many products, and we'll definitely discuss those concepts. But before I share that concept, I would share very unique story of mine. Because मैं जब भी यहाँ से आया ना, when I entered here, तो people were standing there, and मुझे लगता है ये late line वाले थे क्या? I think late line वाले खड़े होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत late होता था. And I tell you, मैं इतना भी याद नहीं है, that was I don't know, I think it was in 8th standard or probably 9th standard. The moment, जैसे आपके अभी सर ने कहा सब नीचे बैठ जाओ, you were standing here and all, आप सारे नीचे बैठ जाइए. और जिस पॉइंट पे हमारे टाइम में भी यूज टू स्कूल मैनेजमेंट, they used to invite people like we came here, जैसे हम आ जाए हैं, वैसे हमारे टाइम में भी स्कूल मैनेजमेंट वाले बुलाते थे. जैसे आज हम आए, कोई जादूगर आ जाता था, कोई कुछ आ जाता था, बट हमारे टाइम में भी बुलाते थे. आई टेल यू, द मोमेंट जिस पॉइंट पे हमारे पीटीआई सर, यहाँ भी स्पोर्ट्स टीचर होंगे, पीटीआई सर होंगे, तो द मोमेंट ये कहते हैं ना सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से सिर्फ एक बात निकलती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के दो पीरियड निकले. रीजन बता देता हूँ बिकॉज सी इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, आई डोंट नो, मैं उससे ज्यादा हो गया है, और मैं थोड़ा सा नए तरीके से, बिकॉज हम लोगों ने कंपनी सेटअप किया है, मतलब आप नेट पे नाम डालोगे मेरा, विनीत सर का, विपुल शर्मा, तो आपको 1500 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया, मतलब 6 देशों में बिजनेस करें तो डेफिनेटली आपको सारी चीज मिल जाएगी. बट आई टेल यू, ये तो अब हुआ है, वेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस, मैं तो मेरी स्कूल की बात कर रहा हूँ भाई, मुझे दो सब्जेक्ट मैंने होमवर्क ही नहीं किया, पहले बताऊँ आपको कभी, ठीक है, और दो सब्जेक्ट मुझे कभी अच्छे नहीं लगे. खैर ये बात अलग है कि यहाँ पे तो शुभन कुशाग्र, नाम से ही कुशाग्र है तो क्या बात करें, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट था उस टाइम. मुझे दो सब्जेक्ट बहुत बेकार लगते थे, पहला मैथमेटिक्स, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट, ठीक है, और मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, वाई शुड आई बी, मतलब क्या है ये. अच्छा कोई 10th स्टैंडर्ड में बैठा है सेटिंग ईयर, जस्ट रेज योर हैंड. अरे ये जरूर दुखती रह गई इनकी, मैं छेड़ता हूँ. अच्छा एक चैप्टर था, इफ यू नो, आई डोंट नो अभी भी होगा, हम तो हिंदी मीडियम से पास हुए थे तो हमारे को त्रिकोणमिति ध्यान था, अंग्रेजी में शायद उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. मतलब मैं LHS बराबर RHS होता तो तब भी नहीं होता था, RHS से LHS को करता था तब भी नहीं होता था. आई डोंट नो कैसा सिस्टम था, बट मेरे को कभी नहीं. एंड सेकंड दुनिया का दूसरा सबसे बेकार सब्जेक्ट SST, ठीक है, सोशल साइंस. मतलब बाबर भारत क्यों आए से मुझे क्या मतलब, दुनिया चपटी गोल होती होगी, मैं क्यों करूं. खैर जोक्स अपार्ट, I'm telling you कि ये हमारा थोड़ा सा स्कूल का टाइम ऐसा ही रहा है, और आपसे ये बात करो, आप हंस रहे हो तो शायद मुझे लगता है आप मेरी बिरादरी के लोग हैं, ठीक है. सो आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड योर स्टडीज, इफ यू रिलेट विद देम, अगर आप उनसे रिलेट करते हो जस्ट रेज योर हैंड, आप अपने हाथ खड़े करना, बिकॉज़ अरे पहले क्वेश्चन से पहले हाथ खड़ा कर दिया, कमाल है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई. सी बट मैं बिल्कुल क्वेश्चन आई वुड आस्क यू, बट अभी मैं आया था ना, आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड That मैं ये बोलने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, बट यहाँ पे आया ना, मैं कहा यार कमाल है, यहाँ तो काम मामला ही अलग है. हम लोगों ने लाइक एक वर्ड
जरूरी नहीं है कि आप सारा सब कुछ पढ़ो, यू डोंट नीड टू स्टडी, है इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, एक वर्ड भी बहुत होता है अगर उसे इंप्लीमेंट करो। जैसे मैंने यहां एंटर किया ना, और इस बात के लिए तो मैं वी आर वेरी ग्रेटफुल, इवन वी यू कैन क्लैप फॉर स्कूल मैनेजमेंट, आप लोग क्लैप कर सकते हो, करना चाहिए बाबा, मैं बोल रहा हूं। व्हाई? कारण है हम लोगों ने पूरी स्कूलिंग किया। मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मेरी नेचर में नहीं है, लेकिन किसी की तारीफ करना तो बनता है भाई। और ये आपके प्रिंसिपल मैम, आपके डायरेक्टर सर मैम इन ऑल सबकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि द वर्ड दैट दे यूज्ड अभी यहाँ पे यूज हुआ था, एक बच्ची बोली थी न्यू वर्ड फॉर योर वोकैब प्रोकास्टिनेशन। ये मैंने मेरी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, तब तक भी मुझे ध्यान नहीं था, मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया तब भी। एक मैंने कोई बुक पढ़ी थी द सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें मुझे ये वर्ड पता चला था, उससे पहले मुझे इस वर्ड के बारे में पता ही नहीं था कि प्रोकास्टिनेशन जैसी कोई चीज है। आई डिड एमबीए तब पहली बार ये वर्ड वहां पे यूज में आया था, आजकल तो बहुत फेमस हो गया, पहले इतना नहीं था ये वर्ड ही। आप लोग तो बहुत आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में इस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग है कि आपको अभी से ये सारे वर्ड सीखने के लिए। मेन बात यह कि आपको इसका मीनिंग पता चल जाए भैया, टालना नहीं है, टालने वाली चीज नहीं है। एंड सेकंड, एक बार आप अगर आप ये सुनते हो यहां पे इतना बोलते हैं, तो एक चीज और बोली थी कि आपने कुछ किया ही नहीं तभी मिस्टेक नहीं किया है। तभी मैंने कहा था ये बात मैं करूंगा कि ये तो मैम का मान गए भैया पे, कमाल है, अगर ये एक एक शब्द भी आप सीख गए तो बहुत बढ़िया है। और वो जो दो भैया आए थे आपके, कुशाग्र एंड शुभ, उन्होंने भी सिलेक्टेड वर्ड्स बोले थे, सब कुछ नहीं भी सुना होगा तो चार तो सुने ही होंगे, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, तो चलो फिर कभी बात करेंगे। कंसिस्टेंसी तो सुना ही था, कंटिन्यूस पढ़ना होता है। सेकेंड क्या सुना था? हार्ड वर्क सुना था बट स्मार्टली। थर्ड क्या सुना था? सेल्फ बिलीफ, वो पहले भैया बोल के गए थे ना। तो ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन है ना, आप करोगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है। और ये मुझे लगा कि हमारे लिए है, बिकॉज वी वुड शेयर समथिंग वेरी यूनिक रिगार्डिंग योर स्टडीज। खैर, ये बात करनी जरूरी थी कि भाई ये जो बोलते हैं ना, इनका एक एक वर्ड भी उतारोगे ना तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। खैर, जैसा मैंने आपसे क्वेश्चंस कहे थे तो मैं उसी को स्मूथली करता हूं। और पहला क्वेश्चन, द क्वेश्चन आई एम गोना आस्क यू, द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू दोज़ हु आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस? पढ़ते तो बहुत है, कमबख्त किताब याद नहीं होती, इज देयर एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड। मैं ऐसा ही था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, खड़े करोगे तभी हेल्प कर पाऊंगा। अरे उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए, शाबाश। हाँ, कोई इशू नहीं है, आई वुड चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत भी करते हैं, याद भी करते हैं, बट जस्ट टू और थ्री डेज बिफोर योर एग्जाम आपको ऐसा लगता है, और यार याद तो किया था, सारा भूल गया मैं, क्या था यार, और यार याद गया, फिर एक अरे यार वही तो था, ऐसा कितनों के साथ होता है? पहले से याद खड़ा करा हुआ है। ओके, अगेन आई चेंज द क्वेश्चन। ऐसा भी होता है, एक तो मैंने देख लिया एग्जाम्पल, कोई ऐसा भी है यहाँ पे, लाइक सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन और प्रोबेबली टू और थ्री डेज बिफोर, अरे पहले सुन तो लो बाबा, यहाँ सब पहले खड़े कर देते हैं आप। मतलब ऐसा किसी के साथ होता है कि पढ़ते बहुत है, मेहनत भी कर लिया, बट एग्जाम के एक दो दिन पहले और प्रोबेबली एग्जाम वाले दिन ही बीमार होना, पेट दर्द होना, तबियत खराब होना, हाथ से पसीना आना, अरे वेरी गुड। हाँ, मेरे भी हाथ से बहुत पसीना आता था, कॉपी गीली कर देता था मैं, फिर वो इंक फैल जाती थी। ठीक है, ओके, सो पीपल आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस, डेफिनेटली आई वुड शेयर, आप लोगों के बहुत काम आएगा। अच्छा, ऐसा भी कोई है क्या, सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन और द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने रखा है, एंड एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन आधा याद है आधा भूल गए, 70% याद है 30% भूल गए, अरे वाह, सबने खड़े कर दिए। ओके, अच्छा फिर तो ऐसा भी होगा, पक्का रिलेट करोगे। अच्छा, ऐसा होता है क्या, जैसे मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर सामने, पहला किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा किया हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है, माँ क्या था यार इसको, वो याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है? जब आप क्लासरूम के बाहर जाते हैं, आंसर क्लिक यार तो वो वाला लिख दिया, होता है ना। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा होता है, यानी बुक इज, कोई बुक है, किताब, कुछ भी, कोई बुक, कोई किताब, कोई भी हो दे दो मेरे को, जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर इंस्टेंस। थैंक यू सो मच। सो अच्छा, तो ऐसा भी कोई है क्या यहाँ पे जिसके साथ ऐसा होता हो, लाइक ये हमारे स्कूल टाइम में था, प्रोबेबली अभी बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए तो हो सकता है आपके साथ भी होता हो, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब कई क्वेश्चन, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू अवॉइड सम क्वेश्चंस, लाइक दोज वर टू टफ टू लर्न, मैं बहुत अवॉइड करता था, भगवान ये पेपर में आए तो ठीक रहे, ना आए तो ठीक रहे, क्योंकि जिन जिन मेरे को तो आता तो वैसे ही नहीं था, जैसे कैसे कुछ याद किया हुआ है, और मैं जिन जिन क्वेश्चंस को अवॉइड करता था, भगवान ये पेपर ना आए तो ठीक रहे, ना आए, जिन जिन कंबक्तों को मैं छोड़ के जाता था ना, वो पेपर में जरूर आते थे। होता है ऐसा? अच्छा, देन टेल मी, अच्छा जब आप लोगों के इतने जख्म भरे किए मैंने, सो आई वुड टेल यू, मुझे एक चीज बताओ, जस्ट स्किप दिस, है ना, इसको पकड़ना, कितने हैं दोज वर सिटिंग हियर दे वॉन्ट लाइक दिस, ऐसा चाहते हैं जो मैं अभी करने वाला हूं, आप में से कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि अगर मान लो, अरे
ये मेरा तीसरा एग्जांपल दिया कि तू बोल तो सही बोल रहा, हाथ खड़ा रखूंगी मैं तो. अच्छा, इन दैट वे सपोज आई एम हैविंग दिस, मेरे पास ये कॉपी पड़ी है और प्रोबेबली आपकी कोई सी भी ले लो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बायो, जो भी आपको लेना है, केमिस्ट्री. इधर से फ्लिप किया ऐसे तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप किया तो सारे चित्र याद हो जाए. कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं ना, लेकिन ये तो बहुत कठिन है, बहुत मेहनत का काम है. किताब उठाओगे, यहां तक लाओगे, हाथ में दर्द हो जाएगा भाई. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं. कितने चाहते हैं? सब चाहते हैं ना, तो हाथ खड़े करो, मेरे को तो दिखे नहीं. इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता. चलो कोई ना, सी टाइम हैज गॉन. वो बाबा आदम के जमाने का टाइम गया, जब हम लेके बैठ जाते ना, गड़गड़ गड़गड़ रटने में लगे, टाइम हैज गॉन. अभी जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, दैट्स व्हाई वी केम हियर टू शेयर समथिंग इन ऑर्डर टू शेयर दैट योर प्रोग्राम है. ठीक है, ऐसे किया. अभी इसको क्लॉकवाइज बाहर की तरफ घुमाना है, ऐसे. आगे वाले के मत बदला निकाल लेना कहीं. ठीक है, ठीक है. देखो मेरे कहने के बाद भी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा होता है, ऐसे करना बेटा. हाँ, आपको ही कह रहा हूं. द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू दैट गर्ल. हाँ, आगे क्लॉकवाइज करो, आगे ऐसे घुमाओ. हाँ, बार बार. हाँ हाँ हाँ, अभी भी नहीं घुमा. कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, अभी इसको रोक के, अभी लेफ्ट वाला हैंड लो, इसको जस्ट उल्टा घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ. ये भी हो रहा है ना इजीली? ठीक है, ओके. अभी क्या करना है, देखो, राइट वाले को आपने बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था, दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर. अच्छा, एक काम और करते हैं, एक एक्सरसाइज और करवाता हूं आपको, बिकॉज का है तो. आपने दोनों हाथ ऐसे कर लो, पूरा कर लिया? अरे वो दिल नहीं बनाना है, वो बात. अनबिलीवेबल पीपल आर, आजकल के बच्चे बहुत जोरदार है. ठीक है, सो हाथ ऐसे करना है. अभी इसमें जो आपका थंब है उसको आगे पीछे रोटेट करके देखो, होता है क्या? हो गया, रोक लो. उसके आगे वाली फिंगर्स को, बाकी किसी को मत छोड़ना, आगे वाली फिंगर्स को रोटेट करके देखो आगे पीछे, होता है क्या? हो रहा है ना. इसके आगे वाली अंगुली को आप करके देखो, आपको शायद थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, बाकी उंगलियां छूटेगी. उसके आगे वाली को करके देखो. आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि अंगूठा बहुत फास्ट घुमा होगा, उसके आगे वाली उंगली बहुत फास्ट हो गई, और फिर उंगलियां छूटना, ऐसे परेशान होना हुआ होगा, अगर किसी ने ढंग से किया है तो. किया है? अब ये क्या चीज है मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले वो कंसेप्ट बता देता हूं, ताकि आप ये दोनों चीज रिलेट कर सको. जिस कंसेप्ट के ऊपर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, उसे सब उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर एक घंटे का लेक्चर लिया है, जिसको हमें 12 साल हो गए इंडिया में लाए हुए, ओलंपिक में यूज होता है. उस कंसेप्ट का नाम है डर्मेटोग्लाफिक्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है, जिसमें हम आप लोगों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं. ये फिंगरप्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं, वहाँ साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे एक 30 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज़ के लिए बनाए. डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बनाए, वो रिपोर्ट में निकल के आ जाता है. इन्होंने देखा, अरे वाह यार, ये काम बढ़िया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये पता चलता है, बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है. अगर ऐसा कोई भी चैलेंज है तो रिपोर्ट में आ जाएगा. इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला. अगर लेफ्ट वाला चल रहा है तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, IPS, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इससे रिलेटेड स्टडीज में जाते हैं और उसका पढ़ाई के थ्रू करियर बनाते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू राइट ब्रेन, जब आपका राइट ब्रेन की बात आती है, तो अगर आपका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है, दैट मीन्स यू आर गुड फॉर इंजीनियर, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन. अगर राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स इन लाइन्स के लिए अच्छे होते हैं. ऐसे करके पूरे ब्रेन का एक्सरे होकर आता है. ठीक है, इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कितना है. मतलब कई बच्चे होते हैं ना, 10 क्वेश्चन आए, 5 कर पाए, और 5 मान लो आते हैं, 5 नहीं आते, और यार मैं क्या करूंगी, गड़बड़ होगी, प्रॉबेबली हो जाता है कई बार. तो 5 भी पूरे नहीं हो पाते, 3 या 4 करते हैं, घबरा के गलत कर देते हैं. और कईयों का एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, तो वो 5 तो बढ़िया करेंगे और बाकी इधर उधर हाथ साफ करके 70 तक खींच जाते हैं. ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये एडवर्सिटी क्वेश्चन है, सब कुछ रिपोर्ट में निकल कर आता है. और अभी मैं यहाँ पे क्लियर भी कर लेता हूँ, देखें कितना परसेंट सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, भी पता चल जाएगा. द बॉयज हु आर सिटिंग एंड गर्ल्स, बड़े बच्चे यहाँ बैठे हैं, चलो उनसे बात करते हैं. आप में से कोई भी खड़ा हो जाए, एक कोई लड़का, द गर्ल बॉय. अरे गर्ल्स की तरफ क्या देख रहे हो, बॉयज तो आप ही हो ना. जस्ट कोई भी खड़ा हो जाओ यार, वुड बी द आइस ब्रेकर. कोई भी खड़ा हो जाओ. क्या नाम है आपका? अरे वाह प्रियांशु भाई, आप कौन से क्लास में हो? ओके, सो प्रियांशु एक छोटी सी बात बताओ, डू यू हैव एनी आइडिया
द डोमिनेंस ऑफ योर ब्रेन, लाइक कौन सा वाला ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? हाउ डू यू नो? नहीं नहीं, मैंने एम का तो पूछा ही नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग वन थिंग, हाउ डू यू नो कि ये वाला पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है? घुस के तो देखा नहीं होगा, खोल के देख लो भैया ये वाला चल रहा है. सो जस्ट आई नो लाइक यू लाइक टू बी एन आई एफ, वो मैं समझ गया. मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता कि आपका लेफ्ट वाला ज्यादा चल रहा है? चांस, गैस, अंदाजा, ठीक है ना? जस्ट इट, मैं यही जानना चाह रहा था. हाँ बेटा आप बता दो, हाथ खड़ा किया तो पूछेंगे. हाउ? ये तो एक आपने टेंटेटिव एक आइडिया ले लिया दैट जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग दिस थिंग सिंपली मैं आराम से इसे कर रही हूं तो आई थिंक मेरा राइट वाला चल रहा होगा, बट साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है इसका. आपको लग रहा है ऐसा, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. यही रीजन है, आप तो बहुत अच्छे हो, मैच्योर बच्चों, प्लीज सेट. बहुत अच्छी बात है, मैंने दो से पूछा कि इतना ही टाइम है मेरे पास, मैं सबसे पूछता. यू वॉन्ट बिलीव, शायद येस्टरडे आई वॉज इन स्कूल, मैंने लिया था तो वैसे ही मैं बात कर रहा था और पीटीएम थी, पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट्स वर सिटिंग देयर एंड आई जस्ट आस्क्ड कि आपको क्या लगता है बेटा आपका कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है? वो पीछे से पिताजी कहते रहें दो, पूछ रहें दो, बैठने दो. अरे पूछ लेने दो. अरे नहीं छोड़ो ना यार, क्या करोगे पूछ के? अरे पूछ, अरे है ही नहीं, पूछ के क्या मतलब है? सो जोक्स अपार्ट, बट द थिंग इज कोई सा ना कोई सा तो होगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि होगा नहीं, आइदर या तो लेफ्ट वाला वर्क करेगा और राइट वाला करेगा, पर करेगा. आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, इस कंसेप्ट से आपको सारी चीज पता चल जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ भी एंड वीकनेस भी. हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों पे वर्क करते हैं. तो स्ट्रेंथ में तो हम आपको करियर सजेस्ट करते हैं, व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन. बोलो, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम. ये एक तरह का पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम. बायोलॉजिकल ग्राउंड पे बताऊं तो जैसे आप अंगुली यहाँ डालो और यहाँ जहाँ ये दोनों अंगुलियां मिलती है ना, एक छोटी सी ग्रंथि होती है, इसको कॉल्ड पीनियल. बीइंग अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, तो वो ग्रंथि जो है उससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन. हम मेलाटोनिन पे काम करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, आपको 10 डेज का कंटिन्यूस वर्कशॉप कराते हैं. उसके अंदर हम आपको एक पर्टिकुलर बायोनेरल बीट म्यूजिक सुनाएंगे 44 हर्ट्ज का. कितने हर्ट्ज का और कौन सा म्यूजिक? बाय न्यूरल म्यूजिक. उसमें हम 10 डेज के वर्कशॉप में आपको वो म्यूजिक सुनाते हैं, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं और डांस कराते हैं. उसका रिजल्ट है कि 10 क्लास के बाद आप इस लेवल पे आ जाते हो कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है. एक घंटे की चीज 15 मिनट में याद होना, लंबे समय तक याद रहना, अपनी एज से 3 साल मेच्योर होना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसकी कैपेबिलिटी आना, इन सब बातों के अलावा एक बहुत जबरदस्त टैलेंट आता है जिसके कारण हमारे को नासा के अंदर रिकॉग्नाइज किया, अमेरिका में सम्मानित किया. नेट पे सर्च कर लेना, सब मिलेगा डिटेल, ठीक है? वो क्या था कि हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं. मीन्स अगर आप उनके आंख पे कॉटन पट्टी भी बांध दो ना, तो बंद आंख से वो किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं, इवन किताब खोलते ही नहीं, स्मेल करके बताते हैं किताब के अंदर कौन से नंबर पे क्या पेज है. दे डोंट नीड टू ओपन दैट, यू जस्ट आस्क देम व्हाट इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज. वो हम आपको भी तैयार कर सकते हैं, विल डू दैट, ठीक है ना? इसी ऐसे हमने 1000 बच्चे तैयार किए. मजा ये नहीं है, मजा ये है कि आपको जो पसंद आए ना वो किताब लेके आना, पूरी की पूरी किताब को पेज नंबर सहित 10 दिन में आप याद कर सकते हो. वेदर इट इज साइंस और एसएससी और जो भी कोई भी हो, भले आप कोई भी किताब लो, वो पेज नंबर सहित आप याद कर सकते हो. इफ समवन वुड आस्क यू व्हाट इज रिटन ऑन पेज 28 एंड यू वुड से अले ये तो स्टार तो 21 से हुआ था, 28 पे तो खत्म हुआ है. इस तरह से आपको बाय हार्ट सारी चीज याद हो सकती है, वो पूरी की पूरी किताब. अभी वो एक आपको हम और भी चीज दिखाएंगे और हम लोगों ने मैनेजमेंट से बात भी किया इसके लिए कि ये क्या है. हम लोग ऐसे 1000 बच्चे तैयार कर चुके, तो आपके नियर में जो यूपी स्टेट है उनके पहले एक राज्यपाल रहे हैं, या यूं कहूं पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राज्यपाल राजस्थान के थे, कल्याण सिंह जी. उन्होंने इसी चीज के लिए हमारे को रिकॉग्नाइज किया क्योंकि हमने ऐसे 1000 बच्चे तैयार कर दिए. और इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. उत्तराखंड का भी आना ही नहीं हुआ हमारा, बिकॉज हम लोग मुंबई, गुजरात और उस एरिया में बहुत रहे. फिर हम इंडिया के बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, टोरंटो के अंदर, फिर यूएई में चले गए, अबू धाबी में, दुबई में, फिर हम अमेरिका चले गए, फ्लोरिडा, अटलांटा एंड ऑल. उसके बाद में हम लोग इन सब के बाद में ऑस्ट्रेलिया चले गए, मेलबर्न, एडिलेड. तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिला, बाहर बाहर रहे. वी केम हियर कि भैया इंडिया के बच्चों को भी बेनिफिट देना है और इस तरह का लाभ उठाना है. तो वी डिड दिस एंड वी डिड आर बेस्ट. 350 ज्यादा स्कूल्स वी हैव डन, हम कर चुके. और हम चाहते हैं कि आपके बच्चे, आप सबको भी इस तरह का टैलेंट के साथ में हम तैयार करें कि आपके अंदर भी रह जाएगा. कोई भी किताब है, इट इज नॉट अबाउट वन बुक. आपको वो मेथड सिखा देंगे, उसके बाद आपको जितनी किताब याद करनी हो पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं, ऐसा लेवल डेवलप हो सकता है. बट एक बात ध्यान रखना, हम कोई भाग्य नहीं बताते और ना ही कोई ज्योतिष देखते हैं. जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरे कराओ, एक्सरे में या फ्रैक्चर है तो डॉक्टर कहते हैं प्लास्टर कराओ. अब प्लास्टर करना, एक्सरे करना डजंट मीन हमने कोई ज्योतिष देखा या भाग्य देखा, बायोलॉजिकली प्रूवन है. इसीलिए इसको ओलंपिक में यूज किया. 1972 में 50 मेडल जीते थे रशिया ने, उसके बाद 1976 में
वापस ओलंपिक हुआ, उन्होंने केवल वो बच्चे सेलेक्ट किए जिनका ब्रेन स्पोर्ट्स के लिए बनाया थ्रू दिस टेस्ट, सब ऑन रिकॉर्ड है। रिजल्ट रहा 125 मेडल जीते, 75 मेडल ज्यादा जीते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट। दैट्स व्हाई वी से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 50-60 साल बाद इसकी एंट्री हुई और हमसे भी लेट आप हो, क्योंकि आपको 2022 में पता चल रहा है, हमें 2010 में पता चल गया था। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम चाहते तो ये थे कि हम एक बच्चा यहाँ लेके आए लाइव, हाथ कंगन को आरसी किया कि हम बच्चा ही खड़ा कर दे, बट पेरेंट्स डू नॉट अलाउ। स्टेट वाइज तो फिर हो जाता है। अब आपको भी अगर मैं ये कहूं कि चलो अपन जयपुर चलेंगे स्कूल में डेमो दिखाना है, तो नोबडी विल अलाउ, पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे, नहीं नहीं हमारे बच्चे की स्कूल खराब होगी, हम कहां भेजेंगे। अदरवाइज आप नेट पे चेक करेंगे, ऐसे 1000 बच्चे हम तैयार कर चुके हैं, इसीलिए हमारे को इतना सम्मान मिला है, नॉल सारी चीजें। बट हम लोगों ने इसका एक रास्ता निकाला कि हम बच्चों को तो मुखातिब कराते ही हैं, लेकिन एक रास्ता निकाला और हमने मैनेजमेंट से भी बात किया है कि हम कोशिश करेंगे कि एक वन डे इवेंट आपके लिए कर दें, दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, वी चार्ज नथिंग फॉर दैट। हम उसका कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले हैं। पहले ये बताओ कि आप में से कितने जो चाहते हैं कि ऐसा टैलेंट आप में आ जाए। सारे चाहते हो भैया, आई चूज माय ओन अपल, भैया मेरे को तो सो लेने हैं, आप सारे तैयार हैं। खैर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, मैंने कल भी मैम से हम लोगों ने बात किया है, विल ट्राई कि हम एक वन डे इवेंट आपका करें 3 घंटे का, जिसके अंदर हम ये वर्कशॉप करा के आपको इस लेवल पे ला सके, क्योंकि 10 डेज है तो रिजल्ट तो पहले दिन से आना शुरू हो जाता है। और जस्ट बिकॉज ओनली वन रीजन, क्योंकि अभी तक आपका मेलाटोनिन का सिक्रेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं है, तो हम पहले दिन हल्का सा भी करते हैं ना तो वो आपका रिजल्ट दिख जाता है, जस्ट यही एक रीजन है। तो आप में वो जो चैलेंज रिजल्ट हम बता रहे हैं वो पहले दिन आ सके, उसका हम एक फ्री वन डे वर्कशॉप करेंगे जिसका हम चार्ज नहीं करेंगे, उसमें हम आपको सारी चीज सिखाएंगे ताकि आप भी कर सकेंगे। लेकिन इन सब के पीछे दो चीजें हैं जो अभी आपके साथ शेयर की थी। पहला, ये जो टैलेंट आपको चाहिए ना कि आंख बंद भी हो तो भी किताब के अंदर स्मेल करके बता सको या पूरी किताब का सार बता सको, ऐसा टैलेंट चाहिए, तो भैया एक चीज आपको करनी पड़ेगी, 10 दिन के लिए मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। ये जो पबजी में घुसते ना, मार मार इसको मार, वो छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, 10 दिन के लिए। बिकॉज वो जो मैं कई बार देखता हूँ एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, वो किसको मारेगा अभी, ले जाएंगे अंदर, क्यों, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, यूजुअली दे यूज दिस लाइक एस, लगे हुए ही रहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है दे यूज दैट, प्रॉब्लम ये है कि जब आप गेम खेलते हो ना तो उससे एक ब्लू कलर की रेस निकलती है, वो डायरेक्ट आपके ग्लैंड को हिट करती है और पीनियल ग्लैंड मैक्सिमम 16 इयर्स तक वर्क करता है, उसके बाद वो स्टैग्नेट वाइटर जैसा हो जाता है, स्थिर, उसके बाद वो ज्यादा नहीं करता है, 70 माइक्रोमिल का सबसे सिक्रेशन होता है। तो ये आपका प्राइम एज है 16 to 17, इस एज में अगर आपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर लिया और मेलाटोनिन के सिक्रेशन को बढ़ा लिया तो बहुत शानदार ये रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने मोबाइल पे गेम खेला तो वो जो ब्लू कलर की रेज निकलती है वो डायरेक्ट उस ग्लैंड हिट करती है, वो जो सीक्रेशन उसे कम कर देती है। हम तो यहां मेहनत कर रहे हैं बढ़ाने की, आप उसको यूज करके खत्म कर रहे हो। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आपको केवल 10 दिन के लिए मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आजकल डीजी से पढ़ाई होती है, लैपटॉप से पढ़ाई होती है कि आप लैपटॉप छोड़ दो, मूवीज देखना छोड़ दो, आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उसी में होता है। अगर ये छोड़ सकते हो तो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी चीज मिल सकती है। अब बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है। अरे वाह यार, खेल छोड़ने यार 10 दिन की बात है, हाँ तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भले मोबाइल के अंदर घुस के बैठ जाना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 10 दिन के लिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम जब कराएंगे ना तो रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा। हम चाहते हैं, हमने मैनेजमेंट से बात की है, वी आर प्लानिंग कि हम इस तरह का वर्कशॉप आपको कराएं ताकि आपका वो रिजल्ट आ सके, भैया हो गया नीचे कर लो आप। दूसरा, आप लोगों को भी एक्सरसाइज करवाई थी, वो एक्सरसाइज क्या है मैं बता देता हूं आपको। आप लोग जब हाथ को ऐसे बाहर घुमा रहे थे ना, थोड़ा सा कोई साइंस सेट होगा तो समझेगा, हमारे क्रॉस सेक्शन होता है, इस पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है और इस पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है। आप लोगों ने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी ना, क्रॉस सेक्शन होता है, तो जब आप हाथ बाहर घुमा रहे थे ना, यू आर लाइक दिस, डूइंग लाइक दिस, ऐसे आप हाथ कर रहे थे ना, तो इधर से आदेश गया इधर घुमाओ, आपने घुमाना शुरू कर दिया, सडनली आई सेड हाथ अंदर की तरफ घुमाओ, आपने अंदर घुमाना शुरू किया तो इधर से आदेश गया कि अंदर घुमाओ, अचानक से मैंने कहा दोनों काम एक साथ करो तो ब्रेन कंफ्यूज हो गया, भाई करना क्या, या तो बाहर घुमा ले अंदर घुमा ले, ब्रेन एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, गलत अवधारणा इंडिया में विकसित हो गई, ऐसा नहीं है, ब्रेन एक टाइम में हजारों काम कर सकता है, हमने उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ब्रेन को बैलेंस कर देते हैं, और वैज्ञानिकों का कथन है दोनों ब्रेन के बीच 7% ज्यादा वीक अंतर नहीं होना चाहिए, तो वो हम गैप दूर कर देते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, मेलाटोनिन के थ्रू। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये एक्सरसाइजेस करें, और हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपको घर पे भी करनी है ताकि आप आसानी से अभी से रिजल्ट ले सको, और मैनेजमेंट से बात करेंगे कि इसका बेनिफिट मिल सके।